आज हम जा रहे हैं अम्मी के घर, तो सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और हर बीमारियों से महफूज रखे जो देश प्रदेश में है। अल्लाह पाक सबको और अपनी जुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज हम सब लोग जा रहे थे अम्मी के घर, तो मेरे हस्बैंड साहब जो वो गाड़ी लेके आए थे, तो हमने कहा था सब लोग मेरे बच्चे जो हैं वो सब तैयार होके बैठे हुए हैं, तो हमने कहा हम नो दूसरी गाड़ी रिश्के वगैरह पे नहीं जाते, तो हम गाड़ी पे चले जाते हैं। तो जो मेरे सब बच्चे हैं, जैनब ने भी नया सूट पहना हुआ है, मरूश ने भी नया सूट पहना हुआ है, जो हसान है ना उसने भी, जो हसनैन है ना उसने वो जो पहले वाला सूट है ना उसने वो ही पहना हुआ है, तो उसने उसके अब्बू ने भी वो ही पहना हुआ है ना इस वजह से। तो हम आ गए अम्मी के घर, तो अब हम नाश्ता कर रहे हैं सब लोग। तो अब अम्मी के घर हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम नाश्ता कर रहे हैं चने के साथ। तो गांव में हसनैन हसान जो है वो बाहर निकल गए हैं दोनों खेलने के लिए, तो जैसे गांव में पहुंचते हैं ना तो उन्हें बाहर की हवा लग जाती है। और जिस चीज में नाश्ता करना हो तो अम्मी ने बनाई है तंदूर की रोटी, जिस चीज में नाश्ता करना हो तो वो जल्दी से आ जाए, इसलिए तो वो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ये हमारी गाय है, मैं इसे पानी पिला रही हूँ। हाँ ये हमें हमारी पार्टी नहीं हो रही, बिस्मिल्लाह नहीं मरेगी मरेगी। हाँ जी मरेगी मरेगी, ये ना ये फूल रहे हैं, ये वाले फूल है, तो ये वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने घर में जो लगाए हुए थे ना तो वो हमारे तो है ना खराब हो गए हैं। ये भी जो अम्मी के खाया ना, मेरे घर में ना मुर्गियाँ वगैरह नहीं है ना, इसलिए ये बच्चे पड़े। मैं आप चाय बना रही थी, वहाँ पे लगती है जानवरों की मंडी, आप भाई गए हैं मंडी गए हैं। उधर की लेडी मैं थी, तो तुम्हें ना था
छोटी मेरी सिस्टर है ना, उसकी अलग ही फरमाइश होती है सबसे। वो कह रही मैंने कोर नहीं चार्ज किए कप में बार बार भूल जाती हूँ। और जिस लोगों ने चाय पीनी है तो भूल जाते थे आ जाए। वैसे है तो गर्मी में तो चाय नहीं पीनी चाहिए, मगर ये है कि हम चाय लाजमी पीते हैं, हमारे घर में गलती रहती है। और गर्मी भी ज्यादा है, लाइट नहीं इतना ज्यादा तंग किया हुआ है गांव में, तो इतनी ज्यादा लाइट खराब हो गई है। बोल गई आइसक्रीम किसी ने खानी है? मैंने खानी है। ठीक है गर्मी ज्यादा हो रही है तो घर में ना दरख्त वगैरह भी नहीं लगे हुए, ये बाहर लगे हुए हैं दरख्त वगैरह जो है ना। ये घर में सारा कच्चा से आना है ना इस वजह से, तो ये कपड़े ज्यादा गंदे कर देते हैं दोनों ही। अभी जो दोनों है वो सोए हुए हैं, भतीजा साहब भी सोया हुआ है, बच्चे सब सो गए हैं। सुबह तो इतने ज्यादा शोर कर रहे थे तो अभी सब बच्चे सोए हुए हैं। और पकाई ले रही हिम्मत पैंज ले रही है मैं कहता टैंक पानी खाती बने वो पानी लै चुका है।
स्नेह भी सोया हुआ है, शान भी सोया हुआ है, तो अम्मी जो है ना उनके ऊपर पंखा चल रही है, तो आज गर्मी ज्यादा है। तो अभी अभी जो है ना जैनब जो है ना आइसक्रीम खाई है, जैनब ने कौन वाली, अभी वो खा के बैठी हुई है, और ये उसकी दोस्त है। और आपको पता है जो गांव में बच्चे होते हैं वो तो बाहर खेल कूद रहे होते हैं, तो इसकी छुट्टियां हुई है ना बच्चों की, तो बच्चे ना एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियां, बच्चे छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। तो गर्मी गर्मी कहाँ एंजॉय करने देती है, अगर ठंडा मीठा मौसम हो तो फिर तो एंजॉय बनता है, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।